पांव के मसाज के 20 हैरान कुन फायदे। नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। हाँ, यकीनन हमें आपकी और आपके अहले खानदान की सेहत का बड़ा ख्याल है। आइए इस वीडियो में बताए गए निहायत कीमती और अहम पॉइंट्स पर अमल करें और बेहतरीन सेहत के मालिक बने। सेहत अल्लाह ताला का हकीकतन बहुत बड़ा तोहफा है और कुदरत ने जितनी मोहब्बत और मंसूबा बंदी इंसान को सेहतमंद रखने के लिए की, इतनी शायद पूरी कायनात बनाने के लिए नहीं की। पांव का मसाज। पांव के मसाज के 20 हैरान कुन फायदे। मसाज से इंसान को जिस्मानी और जहनी राहत तो मैसर आती है, लेकिन अब साइंसदानों ने पांव के मसाज का एक ऐसा हैरान कुन फायदे बता दिया है जो कोई सोच भी ना सकता था। फिनलैंड के साइंसदानों ने नई तहकीक में बताया है कि हाथ से पांव का 10 मिनट तक मसाज करने से मर्दों की अज़वाजी जिंदगी बेहद खुशगवार हो सकती है। उनका कहना था कि जब शरीक हयात मर्द के पांव का मसाज करती है तो उससे उसके जिस्म में सुकून बख्शने वाले हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन की पैदावार बढ़ जाती है और इसके दिल में अपनी शरीक हयात के लिए मोहब्बत का जज्बा मौजजन होता है। यह ऐसा हार्मोन है जो खातून के यहाँ जज्गी होने के बाद पैदा होता है और उसकी छातियों से दूध आने का सबब बनता है, और यह मर्द व खवातीन में उस वक्त भी पैदा होता है जब वो एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करते हैं या अज़वाजी ताल्लुक कायम करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ जेवाइस खेला के साइंसदानों ने इस तहकीक में 40 मर्दों का हाथ से या मशीन के जरिए मसाज करवाया और पहले और बाद में इनके खून के नमूने लेकर इसमें ऑक्सीटोसिन की मकदार को जांचा। नतायज में मालूम हुआ कि जिन मर्दों के पैरों को हाथ से मसाज किया गया उनके खून में ऑक्सीटोसिन की मकदार 51% इजाफा हो गया, जबकि जिन्हें मशीन से मसाज करवाया गया उनमें सिर्फ 18% हुआ। साइंसदानों का कहना था कि ऑक्सीटोसिन की पैदावार के लिए पांव शायद इसलिए अहम है, पैरों में आसाबी खलिये आकर जमा होते हैं, चुनाचे जिस्म का ये हिस्सा बहुत हिसास होता है, लिहाजा इसका मसाज करने से आदमी को ज्यादा जहनी व जिस्मानी सुकून मिलता है। पांव के तलवों पर तेल लगाने का ऐसा मौजजाती फायदा कि मर्द व खौतीन इसे रोज की आदत बना ले। हमारे पैरों के तलवों में बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो अलग अलग जिस्म के अज़ा से जुड़े होते हैं। अगर इन पॉइंट्स पर रात को सोने से पहले मालिश करें तो बहुत सारे फवायद मिलते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि रात को सोने से पहले पांव की मालिश करने से कौन से फायदे मिलते हैं। आप रात को सोने से पहले गर्म सरसों के तेल या जैतून के तेल से दोनों तलवों की 5 मिनट मालिश की जाए तो इससे हमें हैरत अंगेज फायदे मिलते हैं, जिससे हमारे जिस्म की बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती है। अपने पांव के तलवों पर तेल लगाना जरूरी है, वाकई इस अमल में जादू जैसा तासीर है। पांव के तलवों पर तेल लगाने के 20 हैरान कुन फायदे। आज हम आपको एक अनमोल राज और अमल बताने जा रहे हैं, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और आप इसे अपनी भलाई की खातर देखने के बाद इस पर अमल भी करेंगे। नंबर 1, एक शख्स ने लिखा, मेरे नाना 87 साल के फौत हुए, ना कमर झुकी, ना जोड़ों में दर्द, ना सर दर्द, ना दांत खत्म। एक बार बातों बातों में बताने लगे कि मुझे एक सियाने ने मशवरा दिया था कि उस वक्त जब मैं कलकत्ता में रेलवे लाइन पर पत्थर डालने की नौकरी कर रहा था कि सोते वक्त अपने पांव के तलवों पर तेल लगाया करें,
बस यही अमल मेरी शिफा और फिटनेस का जरिया है। नंबर दो, एक स्टूडेंट ने बताया कि मेरी वालदा इसी तरह तेल लगाने की ताकीद करती है, फिर खुद बताया कि बचपन में वालदा की नजर कमजोर हो गई थी, जब ये अमल मुसलसल किया तो मेरी नजर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल मुकम्मल और सेहतमंद हो गई। नंबर तीन, एक साहिब जो कि ताजर है ने लिखा, मैं चतराल में सैर वो तफरी करने गया हुआ था, वहाँ एक होटल में सोया, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैंने बाहर घूमना शुरू कर दिया, बाहर बैठा रात का वक्त बूढ़ा चौकीदार मुझे कहने लगा, क्या बात है? मैंने कहा नींद नहीं आ रही, मुस्कुरा कर कहने लगा, आपके पास कोई तेल है? मैंने कहा नहीं। वो गया और तेल लाया और कहा अपने पाँव के तलवों पर चंद मिनट मालिश करें। बस फिर क्या था, मैं खर्राटे लेने लगा, अब मैंने मामूल बना लिया। नंबर चार, मैंने रात को सोने से पहले पाँव के तलवों पर तेल की मालिश का एक टोटका आजमाया, इससे नींद बहुत अच्छी आती है और थकावट खत्म हो जाती है। नंबर पांच, मुझे मैदे का मसला था, पांव को तलवों पर मालिश से दो दिन में ही मेरा मैदे का मसला ठीक हो गया। नंबर छह, तलवों पर तेल की मालिश से सर से लेकर पांव तक ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। नंबर सात, रोजाना पैरों के तलवों की मालिश की जाए तो इससे इजाफी चर्बी पिघलने लगती है और हमारा वजन कम होने लगता है। नंबर आठ, तलवों पर तेल की मालिश से मर्दाना कमजोरी दूर होती है। नंबर नौ, तलवों पर तेल की मालिश से घुटनों का दर्द, कमर का दर्द और जोड़ों का दर्द की तकलीफ दूर होती है। नंबर दस, तलवों पर तेल की मालिश से औरतों के मखसूस अमराज की तकलीफ भी दूर होती है। नंबर ग्यारह, तलवों पर तेल की मालिश से कब्ज की शिकायत भी दूर होती है। नंबर बारह, तलवों पर तेल की मालिश से जिस्मानी कमजोरी, नजर की कमजोरी और टेंशन की शिकायत भी दूर होती है। नंबर तेरह, मैं टोटके तकरीबन पिछले 15 साल से कर रही हूँ, मुझे इससे बेहतर पुरसुकून नींद आती है, मैं अपने छोटे बच्चों के पाँव के तलवों पर भी तेल से मालिश करती हूँ, उससे वो बहुत खुश होते हैं और सेहतमंद रहते हैं। नंबर 14, मेरे पाँव में दर्द रहता था, मैंने रोजाना जैतून के तेल से रात को सोने से पहले 2 मिनट पाँव के तलवों की मालिश करना शुरू कर दिया, इस अमल से मेरे पाँव का दर्द खत्म हो गया। नंबर 15, मेरे पाँव में हमेशा सोजिश रहती थी, जब चलती थी तो थकन से चूर हो जाती थी, मैंने रात को सोने से पहले पाँव के तलवों पर तेल की मालिश का अमल शुरू किया, सिर्फ 2 दिनों में मेरे पाँव की सोजिश दूर हो गई। नंबर 16, पुरसुकून नींद के लिए नींद की गोलियों से बेहतर काम करता है ये टोटका, मैं अब रोजाना रात को पाँव के तलवों पर तेल की मालिश करके सोती हूँ। नंबर 17, मेरे दादा हुजूर के तलवों में बहुत गर्माहट, वो जलन और सर में दर्द रहता था, जब से उन्होंने लौकी का तेल तलवों में लगाना शुरू किया तकलीफ सिरे से दूर हो गई। नंबर 18, मैं थायराइड की मरीजा थी, मेरे टांगों में हर वक्त दर्द रहता था, पिछले साल मुझे किसी ने रात को सोने से पहले पाँव के तलवों पर तेल की मालिश का एक टोटका बताया, मैं मुस्तकिल कर रही हूँ, अब मैं उमूमन पुरसुकून रहती हूँ। नंबर 19, मेरे पाँव सुन हो रहे थे, मैं 4 दिन से रात को सोने से पहले पाँव के तलवों पर तेल से मालिश कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा फर्क है। नंबर 20, 12-13 साल पहले मुझे बवासीर थी, मेरा दोस्त मुझे एक हकीम साहब के पास ले गया जिनकी उम्र 90 साल थी, उन्होंने मुझे दवा के साथ साथ रात को सोने से पहले पाँव के तलवों पर, उंगलियों के दरमियान नाखूनों पर और इसी तरह हाथों की हथेलियों, उंगलियों के दरमियान और नाखूनों पर तेल की मालिश करने का मशवरा दिया और कहा नाफ में 4-5 कतरे तेल के डालकर सोना है। मैंने हकीम साहब के इस मशवरे पर अमल करना शुरू कर दिया, इससे मेरे खूनी बवासीर में काफी हद तक आराम आ गया और बकौल हजरत हकीम साहब के, नाक के अंदर सरसों का तेल लगाकर सोने से कर्राटे आने बंद हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर है। इस्लाम सेहतमंद माशरे की तालीम और तलकीन करता है। मैं बिलखुसूस नौजवान नस्ल से मुखातिब हूँ कि अपनी सेहत पर भरपूर तवज्जो दें और सेहतमंद ग़िज़ा वक्त पर खाएं और जंक फूड वगैरह से परहेज करें, ताकि आप सेहतमंद रहेंगे तो वालिदैन की और माशरे की बेहतर खिदमत कर सकेंगे। आइए आप और हम सेहतमंद रहें और सेहतमंद माशरे के हुसूल के लिए कोशिश करें।
इस वीडियो को अपने साथियों तक पहुंचाइए, हो सकता है अल्लाह किसी की जिंदगी को आपके जरिए बदल दे। तरतीब और तहकीक अब्दुल मतीन उस्मानी। हमारे दूसरे वीडियोस भी आपको बामल मुसलमान और शहरी बनाने में माविन वो मददगार बन सकते हैं। जरूर देखिए और अपने दोस्त अहबाब में भी शेयर करें। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफे का बास होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब में भी ज्यादा से ज्यादा आम करें ताकि ऐसे और मालूमाती वीडियोस आपकी खिदमत में पेश की जा सके। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल के आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।